कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के बहाने केंद्र सरकार की घेराबंदी की है। गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल डीजल तक की महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरा है, तो हिंदू और हिंदुवादियों में फर्क बताने के लिए दलीलें भी दी हैं। और झारखंड में हेमंत सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया है, तो जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है। उनसे बात की हमारे दिल्ली संवाददाता अमर सिंह ने। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी, बादल जी आप गए थे, जयपुर भी गए थे और महारैली जो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया गया था, कितना सफल रहा? और क्या लगता है कि आने आप भी सरकार में हैं, आप भी मंत्री हैं, क्योंकि राहुल जी बार बार कह रहे थे कि किसान के खिलाफ है ये सरकार। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि किस तरह से उन्होंने चीज़ों को डिफाइन किया कि कैसे जो फले फूले लोग हैं सारी नीतियां उनके पक्ष में लाई जा रही है, सारे कवायद उनके लिए किए जा रहे हैं। देश की जनता तो जिस चीज़ से उम्मीद की थी, लगातार दो बार आपको 5 सालों का जनादेश दिया, ये भी उन्होंने समझाया कि उनका सिर्फ हर एंगल होता है कि सत्ता किसी तरह हासिल करना है, चाहे जनादेश मिले या जनादेश नहीं मिले। मध्य प्रदेश में जनादेश उनके खिलाफ था, लेकिन उन्होंने जबरन आंकड़े समीकरण जुड़ा के घर में फूट डलवा के आंकड़े अपने पक्ष में किए। उसी तरह बहुत सारा प्रदेश उदाहरण है जहां उनको जनादेश नहीं मिला। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी, हम काम करते हैं और काम हम दिखाते हैं, हम सिर्फ एजेंडा या फिर प्रचार नहीं करते। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ अमर सिंह, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।